हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारा कमीज या कुर्ती होता है उसके नीचे का जो ये हमारा घेर होता है उसी का एक मैं न्यू डिजाइन बताऊंगी। ये आप डिजाइन अपने किसी कमीज पर या कुर्ती के नीचे घेर पर आगे या पीछे कहीं भी बना सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेंगे हमारे कुर्ती का घेर कितना है। ये देखिए, ये मेरा 13 है तो इसके ये फोल्ड है मेरा, ये देखिए ये ओपन होने पर 26 हो जाएगा। तो हम ऐसे बुकरम लेंगे जिसकी लंबाई होगी 26 और इसकी चौड़ाई लिया मैंने 3 इंच। इसकी लंबाई हम घेर के बराबर ही लेंगे, ये देखिए इस तरह, और इसकी चौड़ाई मैंने लिया 3 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें एक फोल्ड और करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये 4 फोल्ड हो गए हमारे। अब हम इसमें ऐसे एक फोल्ड और करेंगे, ये देखिए, ये इतना ही हम अपना डिजाइन बनाएंगे। अब हम इस पर ऐसे निशान लगाएंगे। देखिए, ये निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको हम निशान के ऊपर से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको कट कर लिया। अब हम इसको ऐसे देख लेंगे कि इधर से हमारा ये अगर आगे पीछे है तो इसको हम एक जैसा कर लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये इसकी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसे कोई कपड़ा ले लेंगे, इसको हम ऐसे कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से हम इसे इधर से एक सिलाई लगा देंगे पेस्ट करने के बाद। ये देखिए, मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया इसको। अब हम इसको यहाँ से ये इधर से फोल्ड करते हुए ये जो हमारा कपड़ा है ये सीधी सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखिए, ये सिलाई लगा ली मैंने ये इधर से। अब हम इसको कमीज लेंगे अपना, इसको कमीज की सीधी साइड पे रखेंगे। ये कमीज की सीधी साइड है मेरे की, ये देखिए इस तरीके से। कमीज के नीचे घेर पर रखना है हमें ये, ये देखिए इस तरीके से। और इसको हम ऐसे पिनअप कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें पिन लगा ली है ताकि ये हमारा इधर उधर ना हिले। अब हम इसके यहाँ किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे, ये जो हमारी बुकरम है इसके बिल्कुल किनारे किनारे से। देखिए, ये वाली सिलाई लगा ली मैंने। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसमें ये छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसके गोलाई में। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया और मैंने ये कट्स लगा लिए इसमें सभी जगह पर, ये देखिए यहाँ पर ये। अब हम इसको कमीज के उल्टी साइड में पलट देंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने कमीज को इसके कमीज के उल्टी साइड में पलट लिया, ये देखिए। अब यहां से हम अपना हाथ से तुरपाई कर लेंगे इधर से, और अब हम इस साइड, ये देखिए इधर इधर ये अपने ये टैसेल लगाएंगे।
टेसल मैंने कैसे बनाई है, इसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे इसको, हम ऐसे देखो इसके नीचे रखेंगे इधर, और यहाँ ऊपर हम एक बटन रखेंगे इस तरीके से, और इसको हम सुई धागे से अटैच कर देंगे बटन और टेसल को एक साथ। इसी तरह हम इन सब में ऐसे रखते हुए जाएंगे और ये ऐसे अटैच कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये टेसल से हम अपने मन पसंद की कोई भी कलर वगैरह लगा सकते हैं, जो भी हमें ठीक लगे। इसको हम सुई धागे से अच्छे से अटैच कर लेंगे, ये देखिए इस तरह ये हमारा कुछ लुक आएगा कमीज के घेर का। ये हम कुर्ती के या कमीज के अपने आगे पीछे घेर पर बना सकते हैं ये डिजाइन हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह मेरा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।